हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर आपके खत्म कर चुके थे, ये आपका 5वां चैप्टर है। तो चलिए हम लोग 5वें चैप्टर को देखते हैं। याद रखिए, इसमें जो भी आपका चैप्टर का निष्कर्ष होता है या जो भी निचोड़ कह लीजिए चैप्टर का, वो आपको लास्ट में बता दिया जाता है। इसलिए बड़े धैर्य के साथ आप लोग इस चैप्टर को सुने। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं, कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। क्रियाकलाप 5.1, आपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बना सकते हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? जी, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति जो हमें देती है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जब जल के बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं, क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते। जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य का विकास और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है आपके वन हो गए, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब सूर्य के विकास का आप लोग कितना भी प्रयोग करिए, वायु का कितना भी प्रयोग करिए, खत्म थोड़ी होगी वायु। इसीलिए देखा हुआ आपने 2014 से, जब से आपकी एनडीए सरकार आई है, तो ये आपकी इस तरह की ऊर्जा पर, जैसे वायु से ऊर्जा उत्पन्न, सूर्य से, जल से, इस तरह की ऊर्जा को ज्यादा महत्व दे रही है। विद्युत उत्पन्न करने में सोलर पावर। अब संसाधनों की, समाप्त होने वाले संसाधनों की बात करें तो वन काट के खत्म किए जा रहे हैं, वन्य जीव भी, इसी तरह खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हो गए। क्रियाकलाप 5.2, कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रम से पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। एक उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ता की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के 5 से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने के को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि प्रत्येक पात्र में वे वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अभी कुछ शेष बच गया है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग पीति रूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाले पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस जैसी कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। यहाँ आप लोगों का एक महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य बोला था, एक कथन कहा था, आपको शायद याद हो, कई बार हम लोग भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन धरती हमारी आवश्यकताओं को हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक लालची व्यक्ति की आवश्यकता को पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती। तो यहाँ समझाने का यही मतलब है कि अगर हमारी एक पीढ़ी है, चलिए हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छे से सीमित तरीके से या हम लोगों के बारे में सोचकर वो उपयोग करते रहे, तभी आज हमारे लिए जल उपलब्ध है, तेल उपलब्ध है। अब आज हम लोग क्या करें कि लालच में आकर पूरा तेल कोयला प्राकृतिक गैस अभी उपयोग कर लें और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ना रहने दें, क्योंकि आपको पता है कि कोयला हो फिर चाहे आपका कोई प्राकृतिक गैस हो पेट्रोल हो, ये 1-2 साल में बनने वाला तो है नहीं, हजारों साल के बाद बनता है। ठीक है, बात करते हैं कोयला। कोयला आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है, इस तरह से खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाली ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था, इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक क्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। ये है आपकी कोयले की खान। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोलता, कोयला गैस। ये उसी तरह से हो सकता है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा तो ठीक। चमगादड़ देखी, चमगादड़ का तेल निकलता है, क्या करता है, चमगादड़ से तेल निकलता है। कई लोग जो इस तरह के काम करते हैं वो तेल निकालते हैं, बहुत उपयोगी होता है तेल उसका चोट दर्द मरण के लिए। तो उसका क्या है कि अब यही चमगादड़ अगर सालों धरती में दब जाए और सालों दबी रहे तो वो तेल कहीं तो जाएगा, वो किसी में तो बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो यही वो आपका जो भी पेट्रोल डीजल होता है इसी तरह से आता है। कोक, यह एक कठोर सनंद और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग के निर्माण बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोल तार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों के जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक सुगंध, प्लास्टिक, प्रिंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तत्व, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाए लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियों भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं।
आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोल को बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम, आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे आपका मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों, टैंकरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान, ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि एक जमीन के नीचे की चट्टानों की मदद से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर और समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, फिर रेत अथवा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से ने मृत जीवों को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। चित्र 5.4 में देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परतें जल की परत के ऊपर हैं। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इनमें मिश्रित नहीं होते। तैला से चट्टाने जल हो गया, तेल गैस आप प्रवेश चट्टाने कुएं क्या है, तेल के कुएं हो गए, गैस के, गैस तेल के कुएं। ठीक है, विश्व का पहला तेल का कुआ पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रविधित डिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों प्रभाजों को पृथक करने का विक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के लिए विभिन्न संगठक और उनके उपयोग श्रेणी 5.1 में दिए गए। पेट्रोलियम परिष्करणी देखिए, पेट्रोलियम और के विभिन्न संगठनों और उनके संगठक उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संगठक हो गए उपयोग, दैवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए बिलाई, मिट्टी का तेल, स्टोव लैम्प, जेट वायुयान के लिए ईंधन, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन, स्नेहक तेल, स्नेहन पैराफिन, मोन मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि, बिटुमेन प्रेंट एवं सड़क निर्माण में। ठीक है, आगे बात करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रोरसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथिन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस,
प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन निर्मित हैं, सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णता से भी है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं, जहां तक संभव हो गाड़ी सामान्य और मध्यम गति से चलाएं, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, टायरों का दाब सही रखिए, गाड़ी को नियमित रखाव सुनिश्चित कीजिए, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, कोयला के बारे में देखा है, कोयला, गैस, कोलता, को जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम परिष्करणी, इन्हीं के बारे में हमें जानना है, ठीक है। जिससे आगे अगर ये शब्द यूज में आते हैं तो इनके बारे में हमें पता तो होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहीं कोयला लिखा मिल गया, हमें पता ही नहीं है कोयला क्या होता है, तो इसीलिए आपको सलाह दी जाती है NCERT पढ़ने की, कि सिविल सर्विस के लिए रामबाण है NCERT। आपने क्या सीखा है, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन कोलता और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने देखने लगा। PDF डाउनलोड करके रख लेना, टेलीग्राम पर डाल दी थी, ठीक है। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। छठवें चैप्टर में बात करेंगे हम लोग दहन और ज्वाला के बारे में।